टाइटल देखकर आपको लग ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। हाँ, मैं राहुल भोज इस बात का ऐलान करता हूँ अभी से कि भारत फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी। ब्लॉकबस्टर क्या, धुआंधार कमाई करेगी। मेरे पास कुछ ऐसे बड़े बड़े रीजंस हैं जो कि आपको मैं बताना चाहता हूँ और आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि भारत फिल्म रिलीज होने वाली है जून के महीने में, जहां पर हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं भाई की इस फिल्म के बारे में, क्योंकि भाई इसमें हमें 6 अलग अलग रूप में दिखाएंगे, थोड़े से जवान, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े और बुजुर्ग के कैरेक्टर में। तो भाई के लिए ये फिल्म बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रही है दोस्तों। आइए इस वीडियो में बात करता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ राहुल भोज, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। भारत फिल्म को हिट कराने वाला सबसे मेन इंपॉर्टेंट है उस फिल्म का टाइटल। रिसेंटली मैं मिस्टर कोमल नाहटा जी से मिला। आप सब जानते ही होंगे कि कोमल नाहटा जी कौन है। ऑफ कोर्स मुझे परिचय उनका नहीं देना बनता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ही इज द कोमल नाहटा। कोमल नाहटा सर ने बोला कि भारत फिल्म का ऐसा टाइटल है जो कि 100 करोड़ का टाइटल है। अगर आपने दोस्तों उस इंटरव्यू में ध्यान से सुनी होगी बात, तो उन्होंने कहा है कि 100 करोड़ तो फिल्म पहले ही बना लेती है जब फिल्म का टाइटल रिलीज होता है, यानी कि भारत। भारत ऑफ कोर्स यार हमारा इंडिया है और क्या, भारत देश है। तो ऐसे में दोस्तों अगर बात करूं तो एक जो एक्साइटमेंट है, एक जो क्यूरियोसिटी है, वो तो जनरेट होती है कि आखिरकार फिल्म का टाइटल भारत क्यों रखा गया, और प्लस सलमान खान के किरदार का नाम भी भारत है, इसका क्या मतलब हो सकता है। ऐसे में दोस्तों जनता के मन में ये क्रेजी, ये एक्साइटमेंट बढ़ती जाएगी और जनता क्रेजी होकर फिल्म देखने के लिए जरूर जाएगी। तो 100 करोड़ तो यहाँ पे टाइटल को मिलेंगे, बाकी की जो कमाई होगी वो 100 करोड़ के ऊपर की होगी। दूसरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, सलमान खान और अली अब्बास जफर की जोड़ी, ये ऐसी हिट मशीन है दोस्तों जिसके बारे में हम जितनी बात करें वो कम है। अगर आपको मैं पास में लेके जाऊं तो आपको याद ही होगा सुल्तान 2016, फिर उसके बाद टाइगर जिंदा है 2017, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर भारत। भारत फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर होगी, क्योंकि अली अब्बास जाफर को पता है कि सलमान खान की ऑडियंस उनसे क्या चाहती है, सलमान खान के फैंस उनसे क्या चाहते हैं। ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों कि अली अब्बास जाफर किस तरीके से भाईजान सलमान खान को प्रेजेंट करेंगे, और ये जो जोड़ी है ये हैट्रिक तो बना के ही जाएगी। तीसरी मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है भाई का चार्म। आपको बता दूं दोस्तों जिस तरीके से ईद हुई है, और ईद में 2017 की ईद ट्यूबलाइट जाती है, 2018 की ईद रेस्तरी जाती है, और 2019 की जो ईद आने वाली है वो जबरदस्त होने वाली है। क्यों? क्योंकि भाईजान सलमान खान ने एक एक करके चुन चुन के बदला लेंगे ट्यूबलाइट और रेस 3 के डिबैकल का। हाँ, आप बोलेंगे कि अरे वो तो हिट गई थी फिल्में, लेकिन नहीं, भाई का हम जो भाई से एक्सपेक्टेशन करते हैं वो 300-400 करोड़ का करते हैं, और रेस 3 और ट्यूबलाइट के साथ जो हुआ हम सबको पता है। सो ऐसे में भाई का चार्म है, भाई का अलग मैजिक है, और फिल्म को वो सुपर डुपर हिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। चौथा सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन, सलमान खान और कैटरीना कैफ, और उस पर तड़का लगाएंगे दोस्तों कौन, अली अब्बास जाफर। सलमान खान कैटरीना कैफ जब भी आए हैं बॉक्स ऑफिस पर एकदम गदर मच गया है। अगर आपको याद होगी दोस्तों, तो ठीक है आप बोलेंगे कि मैंने प्यार क्यों किया मैं तो वो थे, लेकिन फिल्म फिर भी अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई। लेकिन अगर मैं हालिया रिपोर्ट्स की बात करूं तो ये एक ऐसा कपल है जो ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन हमें दोनों टाइम अच्छा लगता है। सलमान खान कैटरीना कैफ टाइगर जिंदा है, सलमान खान कैटरीना कैफ एक था टाइगर, और प्लस युवराज में भी थोड़ी भूमिका निभाई थी, हालांकि वो मल्टी स्टारर थी। सो ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि सलमान खान और कैटरीना कैफ, जिन्हें हम भैया भाभी भी कहते हैं, उनकी जोड़ी को देखने के लिए दर्शक कितने ज्यादा एक्साइटेड होंगे और कितने दौड़ा दौड़ कर वो सिनेमा घरों में आएंगे। अगला जो मेन इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों वो है फिल्म की स्टार कास्ट। रेस 3 जितनी फिल्म के लिए क्रिटिसाइज नहीं हुई उतनी ज्यादा फिल्म की कास्टिंग के लिए हुई थी दोस्तों। तो इस बार बहुत ही सोच समझ के अली अब्बास जाफर ने डिसीजन लिया है, और भाई ने भी ऑफ कोर्स इन्वॉल्वमेंट दिया होगा अपना। बहुत ही सोच समझ के फिल्म की स्टार कास्ट डिसाइड की गई है, जहां एक तरफ हमें भाईजान सलमान खान, कैटरीना कैफ, टब्बू जैसे अमेजिंग एक्टर्स मिलेंगे, वहीं सुनील ग्रोवर साहब, दिशा पाटनी, जैकी श्रॉफ और बहुत नूरा फतेही, वरुण धवन एक छोटे से कैमियो में। सो बहुत अलग अलग और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स होने वाले हैं, और डेफिनेटली दर्शक इन कैरेक्टर्स को इस फिल्म में देखने के लिए जाएंगे ही जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विशाल शेखर का धमाकेदार म्यूजिक और जूलियस पैकियम का बैकग्राउंड स्कोर। जब जब जूलियस पैकियम ने बैकग्राउंड स्कोर दिया है वो सुपर डुपर हिट रहा है, और वहीं मैं बात करूं विशाल शेखर की म्यूजिक की, सो ऑफकोर्स स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। 500+ मिलियन पहुंच चुका है, राइट?
सो ऐसे में मेरे पास ये पॉइंट्स हैं कि भाई की फिल्म यानी कि भारत सुपर डुपर हिट होगी, ब्लॉकबस्टर कमाई करेगी। आपके पास क्या पॉइंट है कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि भारत फिल्म कितना बिजनेस करेगी, कमेंट सेक्शन में सारी बातें बोल दीजिए। बने रहिए मेरे साथ क्योंकि मैं राहुल भोज आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बातें लाऊंगा आपके फेवरेट चैनल में। कीप ऑन वॉचिंग।